आप मतलब आज तो भैया एडवेंचर हो गया, मतलब ऑफ रोड और कीचड़ और पानी और मतलब हाँ तो भैया सलाम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो आज की वीडियो का टाइटल है टूरिंग ऑन 100cc बाइक टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मेरे पास 10 सवाल हैं, या फिर आप उनको 10 टिप्स कह लो या फिर आप उनको 10 ट्रिक्स कह लो। तो आज की वीडियो में मैं उन ट्रिक्स और टिप्स पे बात करने वाला हूँ जिसको सुन के समझ के आप लोग भी 100cc पे अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भाई जब आप इतना दूर दूर राइड करते हो क्या आपके बाइक में पेन नहीं होता? अगर होता है तो उसे कैसे मैनेज करते हो, क्या कुछ उसका तरीका है? अब देखो बैक पेन का ऐसा है ना कि ये जो बाइक है अपनी 100cc जो बाइक होती है एक्चुअली वो टूरिंग के लिए बनी नहीं होती है, वो बनी होती है इधर से उधर कम्यूट करने के लिए, तो इसको कम्यूटर बाइक बोलते हैं। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो बैक पेन से रिलीफ के लिए जो है मेरा, कि पहला तो यह है कि जो मैं अपना लगेज बांधता हूँ ना पीछे, उसमें मैं अपना एक बैग इस तरह से सेट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए उस बैग का। तो वो जब मेरे बैग पे लग जाता है थोड़ा सा मेरे को पीछे से सपोर्ट मिलता है, एक तो मुझे वहाँ से रिलीफ मिलता है। दूसरा यह है कि जब आपके कंधे और बैक दोनों ही दर्द ना हो तो ये जो आगे चार स्क्रू होते हैं ना, ये हर एक बाइक में होते हैं अपने, तो आप इनको लूज कीजिए और हैंडल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो आगे पीछे, एक बार ना थोड़ा करके देखो और आप ये चेक करो कि आपको किस पोजीशन में आपको मतलब अच्छा फील हो रहा है कि हाँ भाई आप ऐसे या फिर ऐसे, मतलब किस पोजीशन में आप लंबा टूर कर सकते हो, राइट। दूसरा सवाल है भैया, जब आप इतना लंबा लंबा टूर करते हो तो ऑफकोर्स बम में पेन होता है, तो उस बम पेन को कैसे कम करते हो, क्या कुछ है उसका सीन? तो बम पेन का भाई साहब कुछ ऐसा सीन है कि ये जो मेरी नॉर्मल जो स्ट्रोक सीट आती है ना उसके ऊपर मैंने इतना मोटा टाइप एक फोम लगवाया है, और ये जो फोम है ये ज्यादा टाइट भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ये कुछ एक मीडियम रेंज का है। और ये मीडियम रेंज रखने का भी एक रीजन है, अगर आपकी सीट कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है ना और अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो लाइक 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर तो यही सीट आपके लिए दर्द का बहुत गंदा कारण बन जाएगी, और ये पहले से ही टाइट होगी तो दिक्कत होनी है। तो ये जो मैंने फोम लगवाया है अलग से स्टॉक सीट के ऊपर, ये ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये मीडियोकर लेवल का है। तो इससे भैया अपनी बम पेन होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि सहन ही ना कर पाओ, राइट। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल है कि भैया माइलेज। और भैया माइलेज का देखो यार, 100cc बाइक कहानी सुनाते हैं आपको। ये जो मेरी बाइक है जब मैं इसको 80-90 भगाता हूँ, 95 भी भगाता हूँ इसको मैं जब हाईवे आता है, तो तब ये माइलेज देती है मेरे को अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास। और जब मैं इसे पहाड़ों में चलाता हूँ जैसे स्पीति के ऑफ रोड में, वहाँ मुझे माइलेज मिला था 42.3 का तो मतलब 40 के आसपास आप लगा सकते हो इसको। तो ये सीन है इसका। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि भैया जो जब आप टूरिंग करते हो तो अपनी बाइक की स्पीड कितनी रखते हो, या तो आप पूरे हाथ को ऐसा घुमा देते हो या फिर क्या कुछ सीन होता है? तो मैं आपको थोड़ा स्पीड का बताता हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा सोचने दो। अरे बंदर पहलवान है। ओके मैं ऑफ रोडिंग करते करते आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं एक्चुअली ना मेरे गांव के आसपास ही घूम रहा हूँ, सो आपको थोड़ा ऑफ रोड दिखा देते हैं। तो बात करते हैं भैया स्पीड की, और स्पीड का सीन ऐसा है कि मैं इसको ना एक स्पीड पे कभी भी नहीं चलाता, मैं इसकी स्पीड चेंज करते रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरे सामने हाईवे हो तो मैं इसको स्पीड चलाऊंगा वो होगी 80, 90, 95। अब इसको मैं ना क्या करूंगा कि 80 की स्पीड पे चलाऊंगा 10 मिनट के लिए, 85 की स्पीड पे चलाऊंगा 10 मिनट के लिए, 90 की स्पीड पे चलाऊंगा 10 मिनट के लिए, फिर 95 चलाऊंगा 10 मिनट के लिए, फिर वापस 80 पे आ जाऊंगा या फिर वापस 75 पे आ जाऊंगा। अब इसका रीजन ये होता है ना कि देखो अपनी बाइक का है छोटा इंजन, राइट। अब अगर हम इसको 90 पे ही कंटिन्यूस फुल ऐसे ऐसे हाथ घुमा के रहेंगे पूरा फुल, तो इसके ऊपर पड़ेगा भैया प्रेशर, और ये है नन्ही सी जान, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कतई हम अंडर एस्टिमेट कर देंगे, लेकिन वही है ना सेफ्टी अपने हाथ में है, तो ऐसा करने से बाइक के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। ये बीच में थोड़ी स्लो होती है, जब ये 75-80 पे आती है वापस 90-95 पे जाती है तो फुल पावर दिखाती है अपनी जितनी भाग पाती है। सो मेक श्योर कि आप घुस गया भाई साहब अंदर में कांटों के लग गई हाथ पे। तो ये तो हो गई भैया स्पीड की बात। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल ये है कि भाई जब आप टूरिंग कर रहे होते हो तो आप अपनी बाइक को कितनी देर बाद रेस्ट देते हो, मतलब कितने किलोमीटर के बाद और कितनी देर तक रेस्ट देते हो? तो इस पे चर्चा करते हैं। एक बार हम लेन चेंज कर लें क्योंकि आगे कीचड़ वीचड़ ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ से मैं राइट लेके दूसरी नहर पे जाता हूँ, और फिर जिससे कि मैं आगे जाके हाईवे से जुड़ जाऊँगा, फिर हाईवे पे थोड़ी देर बाइक चलाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आराम से रे, वाह यार वाह, ये देख लो भाई ऑफ रोड के मजे ले चुका मैं। ओके आराम से बेबी बेबी आराम से, धन्नो डार्लिंग व्हाट आर यू डूइंग,
ओके, तो जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ तो मैं अपनी धनो डार्लिंग को 100 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। मतलब 100 किलोमीटर फुल चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अब वो 10 मिनट का ब्रेक बाइक के लिए भी फायदेमंद होता है और मेरे लिए भी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी मतलब 100 के 150 किलोमीटर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि 150 किलोमीटर से आप टप ना जाओ, राइट। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आएगा, लेकिन ये कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो अपना ये जो 100cc की बाइक का जो इंजन होता है ना, ये इंजन ऑयल खाना शुरू कर देता है अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना थोड़ा कि 100 किलोमीटर पे और मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर पे 10 मिनट का ब्रेक एक ले लिया जाए। तो अगला सवाल है कि भैया आपने अपनी 100cc बाइक पर लॉन्गेस्ट कितने किलोमीटर कवर किया है। तो मैंने अपनी बाइक पे लॉन्गेस्ट अभी तक कवर किया है 1000 किलोमीटर, टू बी एग्जैक्ट 1100 किलोमीटर इन 18.5 आवर्स। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो वाली वीडियो। ये जो मैंने राइड की थी वो मैंने की थी 24 मई 2018 को, और जो मेरा रूट था वो था रोहतक से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, और वापस जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से वापस रोहतक। तो ये जो मेरा रूट था टोटल मेरे को 1100 किलोमीटर पड़ा था, और ये जो मैंने कवर किया था ये किया था मैंने 18.5 आवर्स में। अब अगला जो सवाल है, एक्चुअली वो सवाल नहीं है, वो मेरी तरफ से एक आपको बोनस टिप है। और वो टिप ये है कि भैया जब भी आप अपनी 100cc बाइक पे लंबा टूर करो तो कभी भी ऐसे मत चलो, समझ रहे हो ना, एक हाथ रेस्ट पे और एक हाथ ही छोड़ा हुआ रेस्ट। ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा। और वो क्यों होती है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जब आप दोनों हाथ से चल रहे होते हो तो एक हिसाब से आप एक सिमेट्री मेंटेन करके चलते हो, और जब आप ये चलते हो तो एक टेंशन इस हाथ पे होता है, मतलब बाइक ऐसे हैंडल को इधर उधर संभालना, और ये जो हाथ होता है बिल्कुल फ्री होता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके एक हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये मेरे साथ 1000 किलोमीटर राइड पे हुआ था। उसमें मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी गलती, जब मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे था जो कि 160 किलोमीटर लंबा, आई थिंक आप यकीन नहीं मानोगे, 160 किलोमीटर जाते वक्त और 160 आते वक्त 320 किलोमीटर मैंने एक हाथ से बाइक चलाई, और उसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ता है। जब भी मैं लंबा निकलता हूँ, इसे दोनों हाथ ही रखता हूँ आगे, तो क्या होता है ना कि मेरे राइट हैंड में हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है, और ना ऐसे लगता है मतलब ना करंट लग रहा है मेरे हाथ पे। तो वो मैंने गलती उस टाइम पे की थी, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब ये 100cc के लिए भी, मतलब 100cc के लिए ही अप्लाइड नहीं है, ये सारी बाइक्स के लिए अप्लाइड है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी एक हाथ मत लगाना, दोनों हाथ ही यूज़ करना बाइक चलाते वक्त, ताकि दोनों में जो प्रेशर है वो आधा आधा डिवाइड हो जाए। अब एक हाथ से रखोगे तो एक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एक पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ओए ओए भाई साहब, पूरी कीचड़ में सन गई यार मेरी बाइक। ओ शिट 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 शिट, ओ भाई जूता। ओके, बात करते भैया ब्रेक्स की। तो देखो, इस बाइक में ब्रेक तो है नहीं, मतलब ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, लेकिन इसमें ABS नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी खतरनाक हो जाती है अपने लिए। अब जब मैं कभी भी 90-95 पे क्रूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कोई एकदम से सामने आ जाए, या फिर कोई एकदम से ब्रेक मार देता है, एकदम से लेफ्ट मुड़ जाता है, एकदम से राइट मुड़ जाता है। तो उस केस में मैं कभी भी ब्रेक पूरे नहीं मारता। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, देखो यार, ब्रेक मारने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई किसी तरह ब्रेक मारता है, कोई कैसे ब्रेक मारता है, क्योंकि अपनी बाइक को जानते हैं, अपने ब्रेक्स को जानते हैं, तो सबका अपना तरीका होता है। मेरा जो तरीका वो ये है कि जब कोई एकदम से सामने आ जाए या फिर मुझे एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाए, तो मैं 100% ब्रेक नहीं लगाता कभी भी। मैं हमेशा लगा लो कि 80-70% ओ यार कहाँ घुसा दिया आज मैंने ये। तो मैं हमेशा 70-80% ब्रेक ही यूज़ करता हूँ, ताकि टायर ऐसे स्लिप ना खाए, मतलब बाइक ऐसे फिसलती हुई बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिसलती हुई बाइक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये फिसल के किस साइड जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, या फिर लेफ्ट ऐसे जाके एकदम से राइट ऐसे गिर जाएगी, तो कुछ भी नहीं पता होता इसका। सो ब्रेक लगाते टाइम ध्यान रखना कि आप आगे वाले ब्रेक और पीछे वाले ब्रेक एक साथ लगाओ, और 70-80% तक इनको यूज़ करो। पूरा ऐसे कंप्लीट मत करना, बाइक लॉक हो जाएगी। और आगे वाले तो खासकर लॉक मत करना, क्योंकि आगे वाला एकदम से लॉक हुआ तो भैया बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो सकता है आपका। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी कभी आप अपनी 100cc बाइक पे लंबा टूर कर रहे हो, तो अपनी बाइक के चेन और ब्रेक 500 किलोमीटर बाद टाइट करवा लेना। अब होता क्या है ना कि देखो, 500 किलोमीटर आप जब इसको कंटिन्यू भगाते हो तो चेन आपकी ना हल्की बहुत लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने की वजह से वही है कि परेशानी हो सकती है। और ये ऐसा, मतलब अगर आप उसको लूज़ ही रखोगे तो वो लूज़ चेन आपके चैन सेट को जल्दी खा जाएगी। तो सजेशन यही है कि कभी भी टूरिंग पे निकल रहे हो लंबा, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब जब आप निकलते हो 10-15 दिन की राइड पे, तो कोशिश करते रहो कि हर 500 किलोमीटर बाद चेन टाइट होते रहे और ब्रेक भी टाइट होते रहे, क्योंकि ड्रम ब्रेक है, और वहीं बार बार यूज़ होंगे तो लूज़ भी होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। और ये चीज़ें ना लद्दाख या स्पीति जब आप जा रहे हो पहाड़ी इलाके में, उस टाइम आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूर मतलब याद रखना है, क्योंकि अगर आपकी चेन लूज़ हो जाती है ना, तो बाइक की पावर पे भी असर पड़ता है।
आपकी बाइक स्लो चलती है जब चेन लूज हो जाता है। घर से नहा धो के निकला था और ये देखो क्या हाल हो गया, वीडियो बनाने के चक्कर में मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ और भैया पूरी बाइक कीचड़ में भर चुकी है। तो बंधुगणों ये थी आज की वीडियो टूरिंग ऑन 100cc बाइक की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें मैंने 10 सवालों को कवर किया और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ टूरिंग से रिलेटेड की कोई बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 बना सकूं। तो चलिए भैया व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ठोक देना और आप इसे अपने किसी फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं जो 100cc पे टूरिंग करना चाहता हो घूमना चाहता हो। राइट, तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो राइड सेफ। जय हिंद।